हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। देखिए, हमें हमारी लाइफ में पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहकर कोई काम करते हैं तो वो काम ज़रूर होता है। इसीलिए अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और मस्त रहिए। अब बात करते हैं आज की रेमेडी की। तो अगर आप नकली आईलैशेस लगाना नहीं चाहते हो और नेचुरल तरीके से अपने आईब्रोज को और आईलैशेस ग्रो करना चाहते हो, ना बनाना चाहते हो, तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिसको यूज़ करके आप अपनी आईब्रोज को और आईलैशेस को घना बना सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। इसमें आपको ऐड करना है 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल और 1 विटमिनी की कैप्सूल। कैस्टर ऑयल और विटमिनी हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और ये हमारे हेयर को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करता है। बालों के साथ साथ ये हमारे आईब्रोज और आईलैशेस के हेयर को भी ग्रो करने में हेल्प करता है। कैस्टर ऑयल है जो वो थोड़ा सा थिक होता है, इसलिए इस ऑयल को थोड़ा बैलेंस करने के लिए हमने इसमें कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक कंटेनर में इसे स्टोर कर लीजिए। अब बात आती है इस ऑयल को अप्लाई कैसे करना है। तो आप कोई भी ऐसा ब्रश ले लीजिए या फिर कोई पुराना या खाली मस्कारा में से इसके ब्रश को ले लीजिए और अपनी आईब्रोज और आईलैशेस पे आपको इस तरह से लगाना है। आपको इस ऑयल को डेली रात को सोते टाइम यूज़ करना है। 1 से 2 दिन में आपको इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, कम से कम 15 to 30 days आपको इसे यूज़ करना है, तब जाके कहीं आपको इसका रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट होगा। और उसके बाद अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपको इसे आगे भी कंटिन्यू रखना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी सिंपल सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय।